हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम फिर उसी जगह पे आ गए हैं। एक वीडियो यहाँ पे और भी हमने बनाया था, वहाँ पे कुछ साउंड में प्रॉब्लम थी। इस बार थोड़ा सी और अच्छी कोशिश की गई है। आई होप इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो बच्चों फिर से क्या करें, माफी मांग लेते हैं आपसे पहले ही। तो ध्यान दीजिएगा और कंटेंट आपको समझ में आएगा, और कोई भी अगर फिर भी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो आपको क्या करना है वो आप जानते हैं। आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए वो डाउट, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का काम। इससे पहले हमने इस चैप्टर के सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। आज हम इस पे बेस्ड सेकंड एक्सरसाइज, इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, अगर आप एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब वो हैं जो आपने कहीं ना कहीं 2.1 में कर लिए हैं। तो उनको मैं अब यहां पे नहीं बता रहा, आप फर्स्ट के सभी पार्ट्स खुद से करके देखेंगे, जो ना है वो मेरे से पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन में चार पार्ट दिए गए हैं, तीन पार्ट मैंने यहां पे लिखे हैं, एक जो पार्ट छोड़ दिया वो बिल्कुल इसके जैसा है, आप खुद से कर देंगे। चलिए सोल्व करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, साइन, और इसके डोमेन में है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। इसको सोल्व करना है हमें। करें इसको, मैंने वाई कंसीडर कर लिया पहले ही। सो वाई इज इक्वल टू साइन, और बच्चे ये प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था ना, बच्चे सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, देखो उसके बाद मजा आए इसको पढ़ने का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होगा? पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होगा? पाई बाई टू। और साइन पाई बाई टू आई मीन साइन 90 कितना होगा? 1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, बहुत आसान। आपको मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक, मैं बार बार बोल रहा हूं, दोस्ती हो जाएगी आपको इस चैप्टर के साथ। अब यहां इसको सोल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये आप देखिए कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिखा हुआ है। बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, किसका फॉर्मूला है? ये कोस 2x का फॉर्मूला है, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां से अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये कोस इनवर्स कोस 2x कितना बचेगा? सिर्फ 2x। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, मजा आ रहा है ना। आगे देखिए इसको सोल्व करते हैं। बाहर कोस इनवर्स है और अंदर ये सब है, यहां ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिल रहा। हां एक बात तो तय है कि कोस इनवर्स अगर बाहर है तो हम अंदर भी कोस का ही फॉर्मूला बना लें, ताकि यहां कोस इनवर्स हो और ये पूरा कोस हो तो ये प्रॉपर्टी लग जाए, या फिर इसको साइन बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर कोस इनवर्स हो और ये पूरा साइन का फॉर्मूला बने, तो अंदर वाले साइन को कोस बनाया जा सकता है। साइन को कोस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। बातें समझ में आ रही है? तो हम क्या करें, हम बाहर कोस इनवर्स है तो हम चाह रहे हैं अंदर ये कोस का ही फॉर्मूला बने। इसके लिए मैंने क्या किया, जो कोस के आगे है 3/5, इसको कोस थीटा पुट कर लिया, क्योंकि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और ये साइन बी बन जाए, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, कोस की आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो क्या किया, पुट 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। इस 3/5 को हमने कोस थीटा पुट किया, यहां से थीटा बनेगा कोस इनवर्स 3/5। और बच्चे अगर कोस थीटा 3/5 है तो साइन थीटा कितना आएगा? यस, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, आई मीन 9/25। तो साइन थीटा 25 माइनस 9 16,
तो 4 बाई 5, ये 4 बाई 5 क्या बन गया, साइन थीटा, एक पंत दो काज, एक में ही दो निशाने हो गए, ये 3 बाई 5 कोस थीटा मिल गया और 4 बाई 5 साइन थीटा मिल गया, बहुत अच्छा हुआ फॉर्मूला सारा तैयार। तो यहां से y इज इक्वल टू, आप इसको y कंसीडर कर ले, लेट y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये कितना था कोस थीटा कोस x प्लस ये कितना बन गया साइन थीटा साइन x। तो यहां हम देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स फॉर्मूला बन गया, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अब a आपका ये भी हो सकता है, a आपका ये भी हो सकता है, ये थोड़ी ना है कि a ये या ये, क्योंकि दोनों ही कोस है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो किसका फॉर्मूला कोस a माइनस b, आई मीन इसको आप थीटा माइनस x कह सकते हो या फिर आप इसको x माइनस थीटा भी कह सकते हो, दोनों ही रिजल्ट सही है, कोस a माइनस b। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपका y इज इक्वल टू कितना आएगा x माइनस थीटा, सो y इज इक्वल टू x माइनस थीटा, थीटा कितना है कोस इनवर्स 3 बाई 5, आया समझ। और अगर आप इस फॉर्मूले को क्या कहते थीटा माइनस x कहते तो यहां रिजल्ट कितना आता थीटा माइनस x, और यहां रिजल्ट कितना आता कोस इनवर्स 3 बाई 5, कोस इनवर्स 3 बाई 5 माइनस एक्स, रिजल्ट ये आ जाता, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकंड का जो आप थर्ड पार्ट है वो आप खुद से कर दीजिए, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये इक्वल आना चाहिए x बाई 2 के, और x की रेंज दी गई है कि x 0 से पाई तक है। ठीक है, वो इसको डिफाइन करने के लिए बताया हुआ है, जो लिखा हुआ है ना कि x जो है वो 0 से पाई तक है, इसका मतलब 0 से पाई तक अगर x की वैल्यू होगी तो कोट इनवर्स की ये डोमेन डिफाइन रहेगी। चलिए फिलहाल हमें इसको सोल्व करना है कि इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, करते हैं सोल्व, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलिए, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। कोट इनवर्स बच्चे ऊपर कौन है 1 प्लस कोस एक्स, ये फॉर्मूले तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि 1 प्लस कोस के साथ कोई भी एंगल हो तो फॉर्मूला क्या बनता है 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, आई मीन एक्स, अगर यहां पे 1 प्लस कोस एक्स होता तो फॉर्मूला क्या बनता 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, आई मीन एक्स बाई 2, अगर 1 माइनस कोस 2x है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2x का हाफ, और अगर यहां 1 माइनस कोस x है तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और बच्चे अगर साइन 2x हो साइन 2x हो तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एंगल का हाफ x कोस एंगल का हाफ x, 2 साइन x कोस x। ठीक है, और अगर साइन x हुआ या नीचे देखिए साइन x है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन x क्या बनेगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, 2 साइन एंगल हाफ कोस एंगल हाफ, और ऊपर फॉर्मूला किसका बनेगा 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस से 1 कोस कैंसिल, तो कितना कोट इनवर्स कोस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, कितना कोट x बाई 2, यहां से रिजल्ट कितना आएगा बच्चे x बाई 2, और यही क्या है हमारी, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। अरे समझ, फटाफट इसका सेकंड पार्ट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सेकंड पार्ट कर लीजिए फटाफट।
पढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब एकदम स्वस्थ हैं, फिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो ना बच्चों, करते रहो। ये व्हाइट बोर्ड में कैसे साफ कर रहा हूं ये ना देखो, क्वेश्चन करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे। अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड पार्ट, टेन इनवर्स और क्वेश्चन है कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और बच्चे इसका रिजल्ट आना चाहिए पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये हमें प्रूव करना है, और एक्स के अपने लिमिट भी है कि कहां से कहां तक है, वो इसको डिफाइन करने के लिए देते हैं। चलिए करें सोल्व। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स गिवन है बच्चे, और रिजल्ट आना चाहिए। ये हम यहां देख पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स है इस बार यहां पे कितना है 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता जो अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। कितना अच्छा हो कि अगर यहां 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, तो 1 प्लस कोस एक्स का तो फॉर्मूला मिल जाएगा ना डायरेक्ट, और इससे भी अच्छी बात यह होगी कि यहां साइन एक्स मिल जाए, साइन एक्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है, और ऐसा चेंज करना हमारे हाथ में है। कैसे? टेन इनवर्स अगर इस कोस को साइन बनाना हो, 11th क्लास में सीखा था, कोस एक्स को अगर साइन बनाना हो तो इसके एंगल को पाई बाई 2 में से माइनस कर दें, आई मीन 90 में से माइनस कर दें। ऐसा ही यहां पे 1 प्लस साइन एक्स है, अगर इस साइन एक्स को कोस बनाना हो तो इस एंगल को पाई बाई 2 में से माइनस कर दें, आई मीन 90 में से माइनस कर दें, क्योंकि 90 में कुछ कम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव और कोस चेंज हो जाएगा 90 पे साइन बन जाएगा, ऐसा ही इसके साथ होगा। ठीक है ना, करते हैं अब। नाउ टेन इनवर्स अब यहां फॉर्मूला बन गया, ये मेरे लिए पूरा थिट्टा है, ये मेरे लिए पूरा थिट्टा है। तो साइन थिट्टा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन थिट्टा बाई 2 कोस थिट्टा बाई 2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 साइन थिट्टा बाई 2, आई मीन इस एंगल का हाफ। तो इस एंगल का हाफ क्या होगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और फिर आएगा कोस एंगल हाफ। इसका एंगल हाफ कीजिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। दिस वन इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला। तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ। एंगल हाफ कितना आएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल बच्चा, ये एक कोस से कोस भी कैंसिल, तो कितना आएगा? टेन इनवर्स एंड साइन बाई, एक एक ऊपर क्या बच गया? साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नीचे कितना रह गया? एक कोस रहा ना, एक पावर कैंसिल हुई है, कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, साइन अपॉन कोस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इसको काट के नहीं दिखाना, काटना नहीं है कभी भी। तो ये रिजल्ट कितना होगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आई थिंक यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। कह सकते हो गया प्रूव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप सभी साथ साथ कर रही है, क्वेश्चन नंबर 4 आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टेन इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये देना है, और इसको कुछ प्रूव करना है, वो जो प्रूव करना है वो मैंने यहां पे नहीं लिखा है। ठीक
ठीक है, आप देखेंगे वो लिख लेंगे। कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां जो secant x है ना, इसको लिख ले 1 अपॉन cos x, प्लस tan x को लिख ले sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x, एलसीएम लीजिए, ऐसा कुछ बनेगा। बस उसको सोल्व कीजिए, आगे अपने आप राह दिखा दी, मंजिल तो मिल ही जाएगी। कीजिए इसके सिक्स पार्ट पे डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यही अंडर रूट वन प्लस एक्स, बीच में प्लस है, अंडर रूट वन माइनस एक्स, और इक्वल आना चाहिए ये पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट आना चाहिए। और एक्स के वैल्यू जीरो से वन तक है, इसको डिफाइन करने के लिए लिखा है। अब यहां से है ना बच्चे, मैं आपको कुछ लॉजिक्स बता रहा हूं, कुछ लॉजिक्स हैं, उन लॉजिक्स को आप फॉलो करेंगे, ये रूल नहीं है, लॉजिक्स हैं, बहुत से केसेस में ये कामयाब रहेंगे। जब भी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप सोल्व कर रहे हो, तो अगर वहां अंडर रूट वन प्लस एक्स या अंडर रूट वन माइनस एक्स की टर्म अगर आप देखो, तो बच्चे वहां आप पुट कर देना इस एक्स को क्या कोस टू थीटा, रटना नहीं है, समझना है बच्चों। क्यों कोस टू थीटा पुट किया? क्योंकि वन प्लस कोस टू थीटा अगर आ गया तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, वन माइनस कोस टू थीटा आ गया तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो तो ये करना है, अगर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो बच्चे पुट करना है हमें एक्स की जगह साइन थीटा या फिर कोस थीटा, साइन थीटा या फिर कोस थीटा, उसे क्या फायदा होगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा फॉर्मूला बनेगा ना, कोस स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर से रूट कट जाएगा। हमें जितना भी हो इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर x की जगह cos थीटा भी लिख दें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई तो हो गया ना, जितना हो उसके उसको शॉर्ट बनाना है, बहुत लास्ट तक लेकर के जाना है उसको, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पर ही मैं डिस्कस करता हूं, अगर 1 ना होकर के a हो, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो आप क्या करेंगे, a cos 2 थीटा पुट करेंगे, आई मीन एक्स को पुट करेंगे क्या a cos 2 थीटा, आगे a ले आएंगे। जैसे यहां पे अगर 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स हो तो आप x को क्या पुट करेंगे, 9 cos थीटा, ठीक है। और अगर 1 पे ही बात हो रही है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 इंटू cos थीटा, तो यहां 1 है, 1 इंटू cos थीटा क्या रहेगा, cos 2 थीटा ही रहेगा। ऐसे ही बात यहां पे करते हैं, यहां एक्स स्क्वेयर है तो वन ना होकर के अगर यहां ए स्क्वेयर होता, अगर यहां स्क्वेयर है तो यहां भी स्क्वेयर वाली ही टर्मोलॉजी लेनी है, तो यहां पे भी हम आगे ए पुट कर देते, ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो ऐसा हो अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वेयर, तो नाइन किसका स्क्वेयर है, नाइन थ्री स्क्वेयर है, तो एक्स की जगह क्या पुट होता, 3 साइन थीटा या फिर 3 कोस थीटा। अंडरस्टैंड करना है बच्चों, जब 3 साइन थीटा रखेंगे तो 3 साइन थीटा का स्क्वेयर होगा ना, वो कितना आएगा, 9 स्क्वेयर थीटा, तभी तो उस पूरे से 9 बाहर आएगा, तभी तो यहां 1 बनेगा, और 1 बनने के बाद ही तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर या 1 माइनस कोस स्क्वेयर कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप बिठाएं, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं फिलहाल 1 के लिए बता रहा था, तो यहां a नहीं रखेंगे, sin थीटा या फिर cos थीटा, राइट। और अगर यहां पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो बच्चे पुट करेंगे x की जगह कितना, tan थीटा या फिर cot थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा
कोई ना कोई फॉर्मूला बना देगा, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा भी कोई ना कोई फॉर्मूला बनाएगा। और वही बात अगर यहां पे ए स्क्वेयर हो तो इनके आगे ए ए आ जाएगा, ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। ठीक है बच्चों, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ ऐसे इंटरेक्ट होने में, पर्सनली बहुत खुशी मिलती है जैसे जब भी आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं। आई होप आपको भी बस इंटरेस्ट आ रहा हो। आगे जब हम मिले वापस तो ये ना कहें कि ये नहीं किया ये नहीं पढ़ा, आप लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि जब हम वापस गैदर होंगे तो इसके आगे की ही बातें स्टार्ट होगी, ये नहीं कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर से इन्हीं को लेकर के बैठ जाएंगे, आपका सिलेबस ये चल रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो और काम करते रहे। ये आ गया, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है बच्चों, तो हाँ बताइए क्या सीकेंट थीटा या फिर कोसीकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन कोई फॉर्मूला बनाएगा और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन ये भी कोई ना कोई फॉर्मूला बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा या फिर कोसीकेंट थीटा। और यही अगर ए स्क्वायर होता है ना, होना चाहिए स्क्वायर के अंदर, जैसे यहां पे अगर आप आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है तो आप पहले एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कहेंगे, ठीक है जी, फिर पुट करेंगे एक्स को क्या अंडर रूट थ्री सीकेंट थीटा या अंडर रूट थ्री कोसीकेंट थीटा। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जो हमारे यहां पे अब काम करने वाले हैं आगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी ये यूजफुल है। चलिए अब आए आप इसको सोल्व करें, थोड़ा सा इस साइड का हम साफ कर देते हैं, फटाफट आप सब अप्लाई करके देखिए, यही जो लॉजिक्स हमने बताए इस क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, मेरे साथ साथ कीजिएगा। हमने यहां पे एक्स की जगह लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह हमने क्या रखा कोस टू थीटा, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स अंडर रूट में है तो एक्स को क्या रखेंगे कोस टू थीटा। हम यहां पहले लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं पहले मैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, या हमने किया पुट एक्स इज इक्वल टू कोस टू थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू कोस टू थीटा। तो यहां जब भी कभी हम पुट करें ना बच्चों, तो वहां से ये देखे कि थीटा क्या होगा, तो यहां से कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू थीटा और थीटा आ जाएगा वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। ये बातें बहुत बार हो चुकी है, ठीक है, यहां रखते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह कितना आ गया कोस टू थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स की जगह कितना आ गया कोस टू थीटा। इसी तरह नीचे अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह कितना आ गया कोस टू थीटा और प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स की जगह कितना आ गया कोस टू थीटा। तो यहां से टेन इनवर्स, अब फॉर्मूला लगाइए, वन प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा टू कोस स्क्वेयर एंगल हाफ आई मीन थीटा माइनस अंडर रूट टू साइन स्क्वेयर एंगल हाफ। इसी तरह यहां पे भी टू कोस स्क्वेयर एंगल हाफ प्लस टू साइन स्क्वेयर एंगल हाफ। ठीक है, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, लेकिन टू पे रूट अभी भी है क्योंकि टू पे स्क्वेयर नहीं था, स्क्वेयर सिर्फ कोस पे है, साइन पे है, कोस पे है, साइन पे है। तो यहां से अंडर रूट टू कॉमन आएगा और यहां से भी अंडर रूट टू कॉमन आएगा, दोनों से रूट टू कॉमन आए, वो कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया टेन इनवर्स ऊपर कितना रह गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे रह गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इलेवेंथ क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कभी ऊपर नीचे कोस साइन की टर्म हो तो आप
कोस से डिवाइड कर दीजिए, और कोस भी कौन सा, हाईएस्ट पावर वाला, आई मीन कोस कोस हाईएस्ट पावर वन वन में ही है ना। अगर ये स्क्वेयर स्क्वेयर में होते तो कोस स्क्वेयर थीटा से डिवाइड, अगर ये कोस पावर वन वन में है तो कोस थीटा से ही डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। इस कोस थीटा के नीचे कोस थीटा आएगा वन, अब लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर न्यूमरेटर बाई कोस थीटा, माइनस ये साइन बाई कोस टेन थीटा हो गया, यहां हो गया वन प्लस ये साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा हो गया। अब देख पा रहे हो ये एक फिर से फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा कितना आएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, टेन फोर्टी फाइव माइनस थीटा। अगर उल्टा होता, ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तो फॉर्मूला प्लस बन जा, लेकिन यहां पर ऊपर जो माइनस अगर है तो माइनस ही रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टेन इनवर्स टेन। ये कैंसिल नहीं करना बच्चों, बेवकूफी होगी कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा, पाई बाई फोर माइनस थीटा, पाई बाई फोर माइनस थीटा, और थीटा क्या, वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स, और थीटा अगर वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स हो गया तो आ गया ना यही जो राइट हैंड साइड हमें लेकर के आनी थी। ठीक है, कर लेंगे आप बच्चों, मन तो ये कर रहा है कि थोड़ी देर और काम किया जाए, पर अभी हमारे साथी और भी हैं जो दूसरे सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा आपसे विदाई लेने का, पर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है तो क्या करें। अब अगर लेकिन एक शर्त मैं इनके सामने रख देता हूँ कि मैं ये क्लास तब छोड़ूंगा जब ये मुझे आज एक अच्छा सा जूस पिलाएंगे, और जूस हालांकि बाहर अवेलेबल है नहीं क्योंकि सब कुछ बंद है, पर मैं सोच रहा हूँ कि जिनसे जूस बनता है वो खिला दे तो ज्यादा अच्छा है। अनार खा लेते बच्चों, क्या ख्याल है आपके? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही कर लेते हैं। एक अनार खाने के लिए एक क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं आज, तो आप इतना करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आप सारे पार्ट्स हैं सारे आप कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, साथ साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब नोट कर लें, मिलते हैं बच्चों बाद में, ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों।